रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज पार्ट ऑफ मिरर। हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज द पार्ट ऑफ ग्लास स्लैब लेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो फर्स्ट वीडियो में हमने मिरर के बारे में पढ़ा था, जिसका मतलब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, दे आई स्ट्राइक करी और निकल गई, इसका मतलब बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, तो सेम मीडियम में स्ट्राइक करके निकल जाएगी, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो रिफ्लेक्शन में हमारे पास एक ग्लास स्लैब होगा, और इसमें क्या होगा, दो मीडियम की बात होगी, फर्स्ट मीडियम से ले आएगी, स्ट्राइक करेगी और दूसरे मीडियम में चली जाएगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि मीडियम फर्स्ट कैसा है और सेकेंड कैसा है। सो बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम और इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, कि हो सकता है कि पहला मीडियम रेयर हो, दूसरा डेंसर हो। रेयर क्या होता है? रेयर जहाँ पे कम पार्टिकल, कम डेंस हो, डेंसर ज्यादा डेंस होगा। तो व्हेन रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। सेकेंड केस सिमिलरली, अगर फर्स्ट मीडियम हमारा डेंसर है, सेकेंड रेयर, तो इन दिस केस व्हेन इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट गोस फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में एंगल आई जो होगा वो लेस देन एंगल आर होगा। सिमिलरली इन फर्स्ट केस व्हेन इंसिडेंस एंगल पासेस रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो उस समय क्या होगा, व्हेन रे पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इन दिस केस एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। थर्ड केस होगा, अगर हमारे पास रे नॉर्मल से स्ट्राइक करे, नॉर्मल से पास होगा तो नॉर्मल निकल जाए, तो उस कंडीशन में एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री। तो दीज आर द फिनोमेना फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता क्यों है रिफ्लेक्शन? सो दिस इज व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अगर हमें पता है कि हमारे पास दो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम एयर, सेकेंड इज ग्लास और वाटर, तो हमें पता है कि एयर में स्पीड होती है लाइट की v इज इक्वल टू या c इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड इन एयर। सो अगर हमारे पास लाइट की स्पीड एयर में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, एयर और वैक्यूम में, तो जब वो ग्लास में जाएगा तो उसमें क्या होगा, स्पीड इसकी कम हो जाएगी और उस समय वो रे बेंड हो जाएगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन स्पीड फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम। सो फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई एक ग्लास स्लैब है, तो इंसिडेंट रे आएगी और इसी रे से पाथ से स्ट्राइक करके निकल जाएगी, उस समय एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू जीरो डिग्री। सेकेंड, कि अगर हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम वन मीडियम टू, फर्स्ट रे आई और दूसरे मीडियम में निकल गई, इसको एन वन कंसिडर कर लेते हैं, इसको एन टू, तो इस कंडीशन में दिस इज आई आर। सो साइन एंगल ऑफ आई, एन वन साइन एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एन टू साइन एंगल ऑफ आर। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन, तो एन टू बाई एन वन द कॉन्स्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो कॉन्स्टेंट टर्म यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस इट इज अ कॉन्स्टेंट व्हेन साइन एंगल और साइन अपॉन साइन आर होगा। सो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. वन एंड टू इज इक्वल टू सी बाई बी. सो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट. मीडियम जितना ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी. सो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम वैक्यूम और एयर एंड मिनिमम इन डेंसर मीडियम. दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ. तो एग्जाम में आया कि व्हाट डू मीन बाय स्नेल्स लॉ. सो स्नेल्स लॉ इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ आई टू द साइन एंगल ऑफ आर इज कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है. इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फर्स्ट एब्सोल्यूट, सेकेंड रिलेटिव. तो जब हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो उस समय स्पीड ऑफ लाइट रेशियो वैक्यूम में होगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में होगा. जब भी एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो फर्स्ट मीडियम जो होगा उसका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर होगा और सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम. बट हमारे पास अगर हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो फर्स्ट मीडियम अदर देन एयर एंड सेकेंड इज ऑल्सो अदर देन एयर. सो एब्सोल्यूट एन इज इक्वल टू सी बाई बी वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. वेयर रिलेटिव की बात करेंगे तो ये हम लोग जी एन डब्ल्यू लिख सकते हैं. जी एन डब्ल्यू का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. सी डब्ल्यू अपॉन सी ग्लास. सिमिलरली अगर हम लोग अभी भी लिखाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी एन डब्ल्यू वाटर विद द रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास. इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. सो वाटर विद द रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास जिसको रिस्पेक्ट देंगे उसकी वैल्यू हमेशा अपॉन. सो जी एन डब्ल्यू तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन डब्ल्यू एन जी. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. सो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है. प्रिंसिपल इट मींस कि अगर हमारे पास ग्लास स्लैब है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिस इज नॉर्मल. इंसिडेंट रे आई एयर से और ये ग्लास में बेंड हो गई और फिर ये एयर में निकल. यहाँ हम एक मिरर लगा देंगे तो फिर क्या होगा स्ट्राइक करने के बाद वो वापस निकल जाएगी. सो दिस इज एयर ग्लास एयर. सो ए एन जी ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर. इज इक्वल टू दिस इज आई आर और ये आर दे भी आर और दिस इज ई. तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई. तो ए एन जी ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन आई एंड साइन आर. नेक्स्ट एयर विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास ये क्या हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन ई. नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट ए एन जी इंटू जी एन ए इज इक्वल टू वन. सो ए एन जी इज इक्वल टू वन अपॉन जी एन. इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. मीन्स ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. नाउ विल डिस्कस लेटरल डिस्प्लेसमेंट. सो वॉट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. अगर हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है दिस इज नॉर्मल रे एयर से आई
ग्लास में बेंड हो गई ऐसे निकल गई, तो जब इस कोने आगे बढ़ाएंगे तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म बिटवीन ऑब्टेनिंग ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इमर्जेंट रे, दिस रे इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, दिस इंसिडेंट रे। तो अगर इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएंगे इमर्जेंट रे को आगे बढ़ाएंगे तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्फेरिकल लेंसेज, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव को बोलते हम लोग डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं क्योंकि आने वाली पैरेलल रेज़ पे क्या करता है ये एक पॉइंट पे फोकस करता है, जो भी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज़ आएंगी वो एक पॉइंट पे फोकस होंगी जिसको बोलेंगे हम लोग दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सिमिलरली कॉनकेव क्या होता है ये आने वाली पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर देता है, यहाँ आएगा जब घूमना पड़ेगा इसको। तो इसका फोकस कहीं पीछे होगा, सो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, कॉनकेव लेंस का जो फोकस होगा वो निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस विच इज थिक एट द सेंटर, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है सेंटर पे थिक होगा और एज इसका थिन होगा, जबकि कॉनकेव जो होता है वो एज इसका थिक होगा और मिडिल पार्ट इसका थिन होगा। सिमिलरली दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस सेकेंडरी फोकस। सो प्रिंसिपल फोकस और ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा जहां पे जितनी भी कमिंग रेज होगी वो आके स्ट्राइक करेगी तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस, तो इसको हो गया प्रिंसिपल फोकस। जबकि कॉनकेव के केस में बात करेंगे अगर हम लोग तो ये आएगी दूर से निकल जाएगी, तो इसको पीछे जब मिलाएंगे तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस। सो कॉन्वेक्स में राइट साइड होगा, कॉनकेव में लेफ्ट साइड होगा, तो कॉन्वेक्स में राइट साइड होगा तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, कॉनकेव में लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स अगर केस होगा उस समय एफ पॉजिटिव यू नेगेटिव वी पॉजिटिव फॉर सम केस, एक केस ऐसा होगा जब वी जो होगा वो नेगेटिव होगा वर्चुअल इमेज बनेगी और इन सब केस में इमेज रियल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कॉनकेव का जो केस होगा उस समय फोकस नेगेटिव होगा, इमेज नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा। नॉ रूल फर्स्ट रूल, अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आती है तो फोकस निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स के केस में, कॉनकेव के केस में दूर चली जाएगी बट जब इसको हम पीछे मिलाएंगे तो फोकस पे ही होगा, तो इसका फोकस नेगेटिव होगा इसका फोकस पॉजिटिव होगा, दैट इज राइट साइड दैट इज लेफ्ट साइड। रूल नंबर टू, अगर हमारे पास कोई फोकस रे आएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, कॉनकेव के भी वही केस होगा अगर कहीं से भी रे आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। रूल नंबर थ्री, ऑप्टिकल सेंटर से रे आएगी और ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी एकदम से निकल जाएगी, कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए सेम कंडीशन। इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट से कोई रे आएगी तो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। सो ये पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेज एट इन्फिनिटी इमेज फॉर्म एट एफ रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइड्स।
सेकेंड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2f, अगर बियॉन्ड 2f एंगल इमेज फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2 राइट साइड। सो अगर पीछे है तो बीच में उड़ेगा, जैसे जैसे हम लोग लेंस के पास जाएंगे वैसे वैसे इमेज पीछे होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। सो इन दिस केस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2f इमेज फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2 रियल इन्वर्टेड स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f इमेज फॉर्म एट 2f, अगर हमारे पास 2f है, 2f मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, तो अगर 2f है तो इमेज 2f पे उड़ेगी, सेम इन साइज रियल इन्वर्टेड। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f एंड 2f इमेज फॉर्म बिहाइंड 2f2, तो पहले था तो बीच में बना, अब बीच में तो पीछे बनेगा, जैसे जैसे आगे आएंगे हम लोग वैसे वैसे इमेज पीछे होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे, क्योंकि वो रे ना आगे मिलेगी ना पीछे मिलेगी, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो इनफाइनाइट पे बनेगी। बट इन द केस ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इमेज फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, अगर हमने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट के पीछे, कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज इन साइज। इसी केस को हम लोग बोलते हैं हम लोग मैग्निफाइंग। सो कॉन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक अ मैग्निफाइंग ग्लास, और उस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट हम लोग लेंस के पास रखेंगे तो इमेज जो होगी वो बड़ी होगी। दीज आर द कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, हाईली डिमिज रियल इन्वर्टेड, बियॉन्ड 2f1 इमेज फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2 डिमिज रियल इन्वर्टेड, एट 2f1 एट 2f2 इक्वल साइज रियल इन्वर्टेड, बिटवीन f1 एंड 2f1 बियॉन्ड 2f2 इनलार्ज रियल इन्वर्टेड। मतलब जैसे जैसे हम लोग लेंस के पास जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज दूर होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी हाईली इनलार्ज्ड रियल इन्वर्टेड। लास्ट केस तब होगा एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इमेज सेम साइड बनेगी, ऑब्जेक्ट के पास मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे, लार्ज बनेगी और वर्चुअल। सो इन कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो उस समय मैग्निफिकेशन जो होगा वो लेस देन वन ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन, तीनों हो सकता है, क्योंकि उस समय मैग्निफिकेशन क्या होगा, एक भी हो सकता है, एक ज्यादा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। कॉन्वेक्स के केस में मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन ये हम लोग मिरर चैप्टर पढ़ चुके, मैग्निफिकेशन टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कॉनकेव के केस की बात करें तो इसमें दो ही कंडीशन होगी, अगर इनफाइनाइट से होगी तो इमेज फोकस पे बनेगी, सेम बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स, बट कॉन्वेक्स में रियल बनता है, इसमें वर्चुअल बनता है। सेकेंड, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, सो इन दिस कंडीशन मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन वन। इसमें इमेज जो होगी हमेशा मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन वन। सो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी इमेज फॉर्म ऑफ फोकस हाईली डिमिज वर्चुअल इरेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी और इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर कहीं भी हो प्रिंसिपल एक्सिस पे तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन फोकस एंड वो डिमिज वर्चुअल इरेक्ट। अब जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज द लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू i बाई ओ इज इक्वल टू v बाई u, दिस इज द मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इफ m इज नेगेटिव रियल इमेज एंड इफ m इज पॉजिटिव वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पावर ऑफ लेंस मीन रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, p इज इक्वल टू 1/f,
वेयर एफ इज इन मीटर और पी इज इक्वल टू 100 अपॉन एक्स, वेयर एफ इज इन सेंटीमीटर, इट्स यूनिट डायोप्टर डी। सो पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो इफ पावर इज पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस, इफ पावर इज नेगेटिव कॉनकेव लेंस। उसके बाद से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जितने भी हमारे पास लेंस है उन सबके पावर का सम, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बट अगर पावर सबका सम पी अगर हमारे पास नेगेटिव में आता है तो उसको बोलेंगे हम लोग आफ्टर कॉम्बिनेशन पावर बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस। अगर हमारे पास पॉजिटिव आता है तो बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। साइन इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी लेस देन यूनिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। तो हमें पता है कि n इज इक्वल टू द सी बाई वी, वेयर n इज कॉल्ड इफेक्टिव इंडेक्स। तो वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और एयर, इट इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट जो होती है एयर में सबसे ज्यादा होती है। सो एन इज इक्वल टू, अगर हम सी बाई वी की बात करेंगे तो सी न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा ग्रेटर होगा, इफेक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू जो होती है इन, अगर हम एयर की बात करें तो एन की वैल्यू 1 होती है, तो या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी, कभी भी इफेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम नहीं होगी। क्यों नहीं कम होगी, क्योंकि वी नो दैट एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होती है जब एयर की बात, उसके बाद से जब भी स्पीड ऑफ लाइट की बात करें किसी मीडियम में तो हमेशा लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्ज इन अ मीडियम इमर्ज पैरेलल टू इटसेल्फ। सो वी हैव अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज नॉर्मल, अगर इंसिडेंट आएगी तो एयर में आएगी तो ग्लास में बेंड हो जाएगी, फिर वो उसी से निकल जाएगी, क्यों पैरेलल हो, ये दोनों रे पैरेलल क्यों, तो दिस आई, तो हमें पता है कि इस कंडीशन में एंगल आई जो होगा वो ग्रेटर देन एंगल आर होगा। नेक्स्ट एयर ग्लास, अब दोनों नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है तो ये एंगल बनाएगा अल्टरनेट एंगल, तो ये आर है तो ये भी आर, और जब ये आर है तो हमें पता है कि ये आई या ई होगा, ई होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, सेम मीडियम एयर ग्लास एयर, तो जिस एंगल से आया फिर वो बेंड होगा उसी एंगल से निकल जाएगा क्योंकि दोनों का मीडियम सेम। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो वी जी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड and its effective index is 1.5, so ng is 1.5. now speed of light in medium, we need to find speed of light in medium whose refractive index is 4/3. so 4/3 means 1.3 something, तो यहाँ पे इफेक्टिव इंडेक्स 1.5 पे, यहाँ पे 1.3 है, तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट मीडियम जो होगा वो ग्रेटर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये तो हमें पहले समझ आ गया क्यों होगा। सो वी नो दैट जब भी हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸, तो इफेक्टिव इंडेक्स एम एम ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम, what is the speed of light in medium, we need to find the speed of light in medium, so you will get speed of light in glass on speed of light in medium, refractive index in glass will be 4/1.5 upon refractive index medium is 4/3 is equals to velocity in glass 2 × 10⁸ upon we need to find velocity in medium, speed in medium. So
1.5 इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 2 × 10⁸ ऑन वी। सो वी इज इक्वल्स टू 40 × 2 × 10⁸ अपॉन 5 × 3। फाइव पॉइंट थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो कोई क्वेश्चन है आप जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देख के बता सकते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम की वैल्यू अगर ग्रेटर होगी सेकेंड मीडियम से, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो सेकेंड मीडियम से ग्रेटर होगा फर्स्ट मीडियम से। कैसे प्रूव करोगा? नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन। द इमेज ऑफ कैंडी फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस। सो वी हैव अ लेंस, कोई भी लेंस है 45 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो लेट अस कंसीडर वी हैव कॉन्वेक्स लेंस। सो 45 सेंटीमीटर अगर हमारा लेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे 45 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू, एंड स्क्रीन इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेट लेंस। तो स्क्रीन यहाँ पे कौन सी, अरे 90 सेंटीमीटर। सो व्हेन ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट 45 है और इमेज बन रही 90 की, अगर ऑब्जेक्ट 45 पे इसका हम लोग ऑब्जेक्ट एंड डिफाइन द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। टाइप ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इमेज जो है राइट साइड बन रही है, और राइट साइड बनेगी तो रियल बनेगी, और रियल बनेगी तो इसका मतलब कॉन्वेक्स है। वी नीड टू फाइंड फोकल लेंथ। तो 1/f = 1/v − 1/u, तो 1/f = 1/v 90 माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट नेगेटिव लेंगे, तो 1/f = 1/90 प्लस 1/45, दैट इज f = 90/3, 30 cm। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 cm, फोकल लेंथ कितना है 30, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स है। नेक्स्ट, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2 m 2 cm, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। नाउ इफ द हाइट ऑफ फ्लेम इज 2 cm, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट 2 cm, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू आई बाई ए इज इक्वल्स टू वी बाई यू। सो आई वी नीड टू फाइंड फोर्स टू इमेज डिस्टेंस 90 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 इंक्लूडिंग साइन। सो आई इज इक्वल्स टू −4 cm। माइनस क्या होता है कि हमारी इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड एंड रियल और लार्ज इन साइज। सो और भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए, अगर नहीं समझ में आता है आपको तो प्लीज कमेंट।